नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और उसकी नई योजना की। राहुल गांधी चुनाव में जीतने के लिए एक नई योजना लागू करने की बात कह रहे हैं। उनका मानना है कि भारत में गरीब बहुत हैं और गरीबों का वोट भी जिताने में बहुत काम आता है, इसलिए गरीबों के लिए एक योजना चालू की गई। लेकिन खबर मिल रही है कि योजना चालू होने के पहले ही उसमें घोटाले की बात सामने आ गई। पहले तो राहुल गांधी ने जो बोला और जो बयान दिया, आप उसे सुन लीजिए। ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए महीने की होगी। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि राहुल गांधी जी बयान दे रहे थे कि वे देश की गरीब जनता को, 20% जनता को 12,000 रुपये महीना देंगे और 72,000 रुपये साल देंगे। तो 12,000 रुपये महीने के हिसाब से जो है 144,000 रुपये होता है साल का। और ये 72,000 देने की बात कर रहे हैं, बाकी का 72,000 क्या आप अपने जीएजी के खाते में डालने वाले हैं राहुल गांधी जी? ये देश की जनता पूछ रही है और देश के सोशल मीडिया यूजर्स भी पूछ रहे हैं। मैं उनकी बातों को बता रहा हूँ एज अ होस्ट। ऊपर से अब बारी आती है इन पैसों को जुगाड़ने की। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश चुनाव के पहले भी यह घोषणा की गई थी कि 10 दिन के अंदर जैसी सरकार बनती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, तो 10 दिन के अंदर ये किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और जो है प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपये महीना देंगे। तो ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा है जिसको 10,000 रुपये महीना मिल रहा है, वो आए और मुझे इंटरव्यू दे, मुझसे 1,00,000 रुपये ले जाए। ऊपर से अब बात ही आती है गरीब किसानों की, तो गरीब किसानों का कौन सा कर्जा माफ हुआ है? जो भी कर्जा माफ किया गया है वो जुमला है और सिर्फ 700 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये से माफी दी गई है, जबकि उनके जो है कर्जे हजारों के और लाखों के थे। अब बारी आती है दूसरी चीजों की। तो मध्य प्रदेश का जो गरीब किसान था और बेरोजगार था, वो तो ठगा गया और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब बारी आती है 5 करोड़ जो है गरीब वोटर्स की। तो 5 करोड़ गरीब वोटर्स को लुभाने के लिए यह जुमला चलाया गया है राहुल गांधी जी द्वारा। राहुल गांधी जी जुमला करते रहते हैं और जुमला बोल बोल के उन्होंने खुद ही जुमला चलाना सीख लिया है। और यह जो बयान है 12,000 रुपये महीना देने का, इसका मतलब होता है ये 12,000 रुपये महीना मतलब आपको साल का जो है, साल का आपको 12,000 महीने के हिसाब से 72 ट्रिलियन रुपए देने पड़ेंगे, 72 खरब रुपए आपको जो है चुकाने पड़ेंगे। और वो कहाँ से लाएंगे? तो उस सिलसिले में जो है परेश रावल जी का एक डायलॉग है जो कि एकदम फिट बैठता है। तो आपको यह पैसा जुगाड़ने के लिए या तो बजट में भारी कटौती करनी पड़ेगी, बजट में कटौती करते हुए बहुत सारे बजट में काट देने पड़ेंगे रुपया पैसे, और ऊपर से जो बहुत सारी जो है देश के विकास की जो है योजनाएं हैं उनको भी धीमा करना पड़ेगा, और मिडिल क्लास पे 3 गुना ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा। जब मिडिल क्लास पे 3 गुना ज़्यादा टैक्स लगेगा तो मिडिल क्लास की जो जनता है करोड़ों की, वो खुद भी रेखा में आ जाएगी और वे मांगने लगेंगे कि 12,000 महीना हमें दे दो, क्योंकि अब वो तो मिडिल क्लास रही नहीं, अब वो तो गरीबी रेखा के नीचे आ गए। 3 गुना ज़्यादा टैक्स समझते हो क्या होता है? एक टैक्स झेलता नहीं है आपसे, 3 गुना ज़्यादा टैक्स झेलोगे। मैं भी शामिल हूँ, मैं जो है अपनी बात भी कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि राहुल गांधी ये जुमला चलाया है सिर्फ 5 करोड़ वोटर्स को लुभाने के लिए। तो जनता इसके बहकावे में ना आए, अपनी अकल लगाए, विश्लेषण कर ले, बहुत सारी रिसर्च कर ले, बहुत सारी जो है गणना कर ले, बहुत सारी गूगलिंग कर ले, और जो भी करना है कर ले, और फिर इस नतीजे पे पहुंचे कि क्या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उससे क्या नुकसान होगा, कहां कहां से पैसे काटे जाएंगे जुगाड़ने के लिए, वो आप सोच के देख लीजिए, आप भयभीत हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये भयभीत करने वाला वीडियो आपको कैसा लगा हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।